हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप लोग का पढ़ाई लिखाई हो रहा होगा बहुत अच्छा तरह, हमें बहुत विश्वास है। मैं मंडल सर, MS चंद्रावती चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग का दो चर रैखिक समीकरण आप लोग का पढ़ा रहे थे और प्रश्नावली 3.2 आप लोग का खत्म कर चुके थे। आज आप लोग का प्रश्नावली NCERT क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। तो देखिए आप लोग प्रश्नावली 3.3 हो रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि से पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है x+y=14, x-y=4। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो चाहे तो समीकरण 1 से चले या 2 से चले, आंसर सेम आता है, 1 से चल रहे हैं। 1 में क्या है, x+y=14, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14। प्लस वाई है तो बट जाएगा तो -y। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से अगर चले तो क्या में रखने पड़ेगा, 2 में रखने पर। 2 में क्या है, x-y=4। कितना 4, x का मान हमको कितना है, देख लीजिए कितना है, 14-y, या माइनस कितना, y=4। तो -y -y=4 बराबर की पार्टी +14, वो पार्टी जाएगा तो -14। -1y -1y -2y -4 में से अगर 14 चल जाएगा तो माइनस कितना, 10। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो 2y बराबर बच जाएगा कितना, 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/2, 2 5 10, y का मान 5 आ गया। तो चलिए आप लोग देखिए, अगर y का मान अगर 5 आ गया तो लिखेंगे y का मान समीकरण, चाहे तो आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर बराबर आता है। तो हम 1 में रखने पर, 1 में क्या है देख लीजिए, x+y=14। कितना 14, x+y का मान देखिए यहाँ पे कितना आया है, 5 आया है, बराबर कितना, 14। तो x=14 बराबर की पार्टी +5 है, ऊपर जाएगा तो -5। तो x=14 में से अगर 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो नीचे लिख देंगे, अब x=9 और y=5। चलिए आपका कुछ आ गया, आंसर आ गया। आप लोग नोट्स करते जाइएगा, अगर बना हुआ सही या गलत तो आप लोग जांच लीजिएगा। एक्स और वाई का मान समीकरण 1 और 2 में रख लीजिएगा, अगर LHS बराबर RHS आ जाएगा तो बना हुआ सही है। एस देखिए दूसरा क्वेश्चन है, S-T=3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, यह S/3 + 3/2 बराबर कितना, 6। इसको भिन्न के जोड़ निकाल लीजिए, द्वितीय आय 6 3 2 6, 2 में S से गुना कर दीजिए, 2S+3, द्वितीय आय 6 3 में T से गुना कर दीजिए, 3T बराबर कितना, 6। इसको नीचे कितना छिपा हुआ, 1 3 6 3 6, गुना कर लीजिए, 2S में S से गुना करेगा, 2S 3T में X से करेगा, 3T और 6 6 36, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब चल रहे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, S-T=3। तो S बराबर हो जाएगा 3/-2, पार्टी जाएगा तो +3। तो लिखेंगे S का मान समीकरण, अगर 1 से चलें तो कौन में रखेंगे, 2 में रखने पर। 2 में हम रख रहे हैं तो 2 क्या है देख लीजिए आप लोग, तो 2S+3T बराबर कितना, 36। तो 2S का मान देखिए कितना आया हुआ है, 3+T यह कितना है, 3T+3T और बराबर कितना, 36। यहाँ देखिए गुना कर दीजिए, द्वितीय 6 2 में T से, 2T+3T बराबर कितना, 36। तो चलिए आप लोग देखिए, आप लोग नोट्स करते जाइएगा, यहाँ पे देखिए 2T+3T बराबर 36, बराबर की पार्टी +6 है, वो पार्टी जाएगा तो -6। 2T और 3T कितना जाएगा, 5T, 36 में से 6 जाएगा 30। तो T बराबर हो जाएगा कितना, 30/5, 5 6 30। 30 का T का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो लिखेंगे T का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहे हैं, 1 यहाँ कितना है, S-T=3। S-T का मान कितना है, 6 बराबर कितना, 3। तो S=3 पार्टी -6 है, पार्टी जाएगा तो +6। S=6 3 9।
लिख देंगे अतः एस बराबर आंसर 9, वाई बराबर 6, आपका ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप लोग नोट्स करते ही जाइएगा। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको क्या समीकरण 2। इसको देखिए परिमित रूप से अनेक हल होगा, देखिए कैसे A1 बटे A2 कितना दिया हुआ 3/9 कट जाएगा 1/ कितना 3। B1 बटे B2 कितना दिया हुआ है, यहाँ 1 छिपा हुआ तो -1/-, कितना 3, तो -- कैंसिल 1/ कितना 3 निकालेंगे। C1/C2 कितना दिया हुआ है 3/ कितना हो जाएगा 9, काट दीजिए 1/ कितना 3। ये तीनों देखिए आपस में बराबर है, जब बराबर है तो लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन में अगर आया तो इसका बताया तो कोची अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या हो जाएगा परिमित रूप से अनेक हल। तो आप लोग इसको भी नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग का इसमें देखिए दशमलव में है तो दशमलव को हटा देते हैं, तो कितना जाएगा 2, दशमलव का मान 1, एक अंक है तो 0, x प्लस 3/ कितना हो जाएगा 10, y बराबर कितना 13/ कितना हो जाएगा 10, 10 कैल्सियम में जाएंगे 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस कितना 3y बराबर कितना 13/10। अगर हर जो है दोनों का सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, समीकरण 1। इसको भी हम हटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4/10x प्लस कितना 5/10y बराबर कितना 23/10। इसको एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 10 कैल्सियम लीजिएगा 10, तो हो जाएगा 4x प्लस कितना 5y बराबर कितना 23/10। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 4x प्लस 5y बराबर कितना 23, समीकरण कितना 2। तो लिखेंगे अब चलिए समीकरण 1 से हल करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ कितना है 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, तो हो जाएगा कितना 2x बराबर 13 उपाटे प्लस 3y उपाटे जाएगा तो -3y, तो x बराबर हो जाएगा 13-3y और 2 गुना में तो नीचे कोची में आ जाएगा भागा में आ जाएगा। तो देखिए अब x का मान हमको आ गया, तो लिखेंगे x का मान समीकरण अगर 1 से चले हैं तो कौन में चलेंगे 2 में रखने पर, तो 2 में देखिए रख रहे हैं 2 क्या है, यहाँ देख लीजिए 4x प्लस 5y बराबर कितना 23, 4s s का मान देखिए तो कितना आया हुआ, देखिए यहाँ तो आया हुआ 13-3y और बटे कितना 2 प्लस 5y बराबर कितना 23। इसको काट दीजिए 2 × 2 = 4, 2 × 13 = 13, 6 × 20, तो हो जाएगा -6y + 5y बराबर कितना 23। फिर यहाँ पे देखिए -6y + 5y बराबर 23 सिपाटी प्लस 26 सिपाटी जाएगा तो -26, 6 − 6y + 5y तो हो जाएगा -1y बराबर कितना हो जाएगा -3, -3 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख रहे हैं तो 1 कितना है, देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 गुने y का मान कितना आया हुआ है, देखिए यहाँ 3 आया हुआ है बराबर कितना 13, तो 2x प्लस 3 × 3 = 9 बराबर 13, तो हो जाएगा 2x बराबर 13 उपाटी प्लस में उपाटी जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4/ कितना 2 × 2 = 4, तो आपका यहाँ लिख दीजिएगा अब तक x बराबर आंसर 2 आया, y बराबर कितना आया 3 आया, तो यही आपका कुछ हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट्स करते जाइएगा। देखिए पांचवा पहला का क्या क्वेश्चन है, पांचवा इसको 1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, और चलेंगे समीकरण 1 से। एक देखिए ट्रिक है, अगर बराबर के बाद अगर दोनों तरफ अगर दोनों समीकरण में 0 है तो उसका आंसर 0-0 आता है। तो देखिए हम समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण क्या है √3x + √3y बराबर कितना 0।
चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलत है, टू है। चलिए यहाँ रूट टू था तो यहाँ पे रूट क्या कर देते हैं, टू कर देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सही है आपका। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं रूट टू एक्स बराबर जीरो, पार्टी प्लस में पार्टी जाएगा तो माइनस रूट थ्री वाई। तो इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर जीरो माइनस रूट थ्री वाई, आई रूट दो गुना में तो नीचे कुछ में आ जाएगा भागा में, तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण अगर वन से चल है तो कायम रखेंगे टू में रखने पर, टू में रखने पर, तो टू में रख रहे तो टू कितना है रूट थ्री एक्स माइनस रूट आठ वाई बराबर कितना जीरो, तो रूट थ्री एक्स, एक्स का मान देखिए यहाँ कितना आया हुआ है जीरो माइनस रूट थ्री वाई, अब बटे रूट कितना दो माइनस रूट आठ वाई बराबर जीरो। अब इसको देखिए रूट तीन में जीरो से गुना करेंगे जीरो, रूट तीन में रूट तीन से करेंगे नौ हो जाएगा वाई, बटे रूट कितना दो माइनस रूट आठ वाई बराबर जीरो। इसको नीचे कितना छिपा हुआ है यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा जीरो माइनस रूट नौ का वर्गमूल करेंगे तो कितना थ्री वाई बटे कितना रूट दो माइनस रूट आठ वाई बटे वन छिपा हुआ है बराबर कितना जीरो। अब इसको देखिए थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा रूट दो, अब एक का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा रूट दो, अगर कितना हो जाएगा जीरो माइनस रूट थ्री वाई बराबर देखिए माइनस है तो माइनस है कितना हो जाएगा रूट दो, रूट दो में अगर रूट आठ से करेंगे तो रूट आठ दो नहीं सोलह वाई बराबर कितना ना जीरो, तो हो जाएगा माइनस है यहाँ रूट जो है हट जाएगा, रूट नौ का वर्गमूल करेंगे तो तीन ना है तो थ्री वाई ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए रूट थ्री वाई माइनस रूट सोलह का करेंगे तो कितना फोर वाई बटे रूट दो बराबर जीरो, तो कितना हो जाएगा माइनस सात वाई, इसको करेंगे कितना हो जाएगा जीरो, तो वाई बराबर हो जाएगा जीरो बटे माइनस सात बराबर वाई का मान कितना आ गया जीरो आ गया, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण वन में रखने पर, रखने पर तो रख रहे हैं तो वन में रख रहे तो वन कितना है रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई बराबर कितना जीरो, तो हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री में वाई का मान है कितना आया था जीरो बराबर जीरो, तो रूट टू एक्स प्लस रूट तीन में जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो हो जाएगा रूट टू एक्स बराबर कितना जीरो, तो एक्स बराबर जीरो बटे रूट दो बराबर कितना आ गया जीरो आ गया, तो नीचे लिख देंगे अतः एक्स बराबर आंसर जीरो और वाई बराबर जीरो, यही आपका कोचे आ गया आंसर आ गया, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलो इसको समीकरण क्या मान लेंगे, चलो इसको नहीं मानते, देखिए भिन्न के घटाव इसको पहले क्या कर लीजिए घटाव है तो घटाव कर लीजिए, दो और तीन का एलसीएम लेंगे छः हो जाएगा तो द्वितीय है छः हो जाएगा, तीन से तीन में थ्री एक्स करेंगे तो तीन तीन नौ एक्स माइनस यहाँ जो दो तो पाँच दूनी दस वाई माइनस कितना दो, इसको नीचे कितना छिपा हुआ है वन छिपा हुआ है, तो तिरछा तिरछी गुना तो हो जाएगा नौ एक्स माइनस दस वाई और छः दूनी बारह माइनस कितना हो जाएगा बारह, इसको क्या मान लेंगे समीकरण वन मान लेंगे। चलिए अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है, देखिए तीन दूनी छः तो यहाँ हो जाएगा कितना टू एक्स प्लस कितना थ्री वाई बराबर तेरह बटे कितना छ, तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए यहाँ ये भी देखिए छ आया तो छ छ हर दो के बराबर सेम है कर जाएगा तो टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर कितना हो जाएगा तेरह, इसको समीकरण टू मान लीजिए, वन आ गया समीकरण टू आ गया, तो अब चलेंगे समीकरण वन से, समीकरण वन से तो समीकरण वन से चल रहे तो समीकरण वन को उतार दीजिए नौ एक्स माइनस दस वाई बराबर माइनस कितना बारह, तो हो जाएगा कितना नौ एक्स बराबर माइनस बारह पार्टी प्लस माइनस दस वाई पार्टी जाएगा तो प्लस दस वाई, तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बारह प्लस दस वाई नौ गुना में है तो नीचे कोची में आ जाएगा भागा में आ जाएगा, तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण अगर वन से चले तो कौन में रखेंगे टू में रखने पर, टू में रखने पर, अब चलिए टू में रख रहे हैं टू कितना है देख लीजिए यहाँ तो है टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर कितना है तेरह है, देखिए इसको उतार दीजिए समीकरण टू वहां ले चल गए, तो एक्स का मान पुट करते हैं टू एक्स, एक्स का मान है देखिए कितना है तो है माइनस बारह प्लस दस वाई बटे कितना नौ प्लस यहाँ देखिए थ्री वाई बराबर कितना तेरह, इसको देखिए ऊपर गुना दो में माइनस दूनी
दो में माइनस 12 से गुना करेंगे माइनस माइनस 24 प्लस दो तो है ये 20 वाई बटे कितना 9 प्लस 3 वाई बराबर 13। इसको नीचे कितना छिपा हुआ है 1। 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 9 तो हो जाएगा माइनस 24 प्लस 20 वाई प्लस 27 वाई बराबर 13। इसको देख लीजिए थोड़ा सा माइनस 24 प्लस 20 में 20 वाई और 27 वाई माइनस 47 वाई बटे कितना 9 बराबर 13। इसको नीचे कितना छिपा हुआ है 1 तो जाएगा माइनस 24 प्लस कितना 47 वाई और 9 में 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में 13 से गुना कर लेते हैं तो 9 में अगर 9 से गुना करते तो कितना हो जाएगा 17 से 13 और 17 से 11 पर 7 हो जाएगा 47 वाई बराबर 117 प्लस कितना माइनस में 24 तो पार्टी प्लस 24 हो जाएगा तो 47 वाई बराबर हो जाएगा कितना 141। तो वाई बराबर हो जाएगा 141 बटे कितना 47 काट दीजिए 47 किया 141 तो हो जाएगा वाई बराबर कितना 3 हो जाएगा। तो आप लोग इसको उतार लीजिए और वी पार्टी देखिए हो जाएगा लिखेंगे वाई का मान समीकरण कितना में रखने पर y का मान समीकरण ये कितना है 2 में रखने पर 1 में रखिए 2 में रखिए तो कितना जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। तो 2x प्लस 3 गुने y का मान देखिए कितना आया हुआ है 3 आया हुआ है बराबर कितना 13। तो 2x प्लस 3 9 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 पार्टी प्लस 9 पार्टी जाएगा तो माइनस 9 तो 2x बराबर 9 13 में से 9 जाएगा तो 4 तो x बराबर 4 बटे 2 कर जाएगा 2 दूनी 4 तो आंसर आ जाएगा x बराबर मेरा आंसर आ जाएगा 2 और y बराबर आ जाएगा 3। यही आपका क्वेश्चन आ गया आंसर आ गया। तो फर्स्ट का 6 जो क्वेश्चन था आप लोग का बन गया आपका दिया हुआ है 2। दूसरा देखिए दूसरा आप लोग क्वेश्चन देखिए प्रश्नावली 3.3 का दूसरा क्वेश्चन 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। समीकरण 1 मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब बोल रहा है कि m का मान ज्ञात करिए किसका मान ज्ञात करिए m का और जो m का मान ज्ञात करने के लिए आपका दिया हुआ है y बराबर कितना mx + 3। तो देखिए बना रहे हैं इसका कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है 11। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये कितना दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसमें देखते हैं 2 4 24 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 2 दूनी 4y माइनस कितना 12। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं 2 कॉमन ले लिए हैं तो चलिए अब चलते हैं समीकरण कितना से चलेंगे समीकरण 1 से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3y बराबर कितना 11। तो हो जाएगा देखिए इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 11 पार्टी प्लस 3y पार्टी जाएगा तो माइनस 3y तो हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 3y दो गुना में तो नीचे कोची में भागा में तो लिखेंगे x का मान आप लोग का दिखाई दे रहा होगा x का मान समीकरण 1 से चले तो आपकी कैसे रखेंगे 2 में रखने पर 2 क्या है x माइनस 2y बराबर माइनस कितना 12। अब देखिए x का मान देखिए रख रहे x का मान देखिए कितना आया हुआ है 11 माइनस 3y बटे कितना 2 माइनस 2y बराबर माइनस 12। इसको नीचे क्या छिपा हुआ है 1 छिपा हुआ है तो 2 और 1 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 1 में 2 आता है 2 बार में तो 2 दूनी 4y बराबर माइनस 12। अब इसको यहाँ देखिए हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 11 माइनस 3y और माइनस 4y तो कितना जाएगा माइनस 7y बटे कितना है यहाँ 2 बराबर माइनस 12। इसको नीचे 1 छिपा हुआ है 11 माइनस 7y तीसरा तीसरे गुना कर लेते हैं 12 दूनी 24 माइनस 24 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 11 त्रिपाठी माइनस में त्रिपाठी आएगा तो प्लस 24 बराबर त्रिपाठी माइनस में तो पाठी जाएगा तो प्लस माइनस 7 प्लस 7y हो जाएगा माइनस 7y है ऊपर जाएगा तो प्लस 7y
ग्यारह और चौबीस कितना हो जाएगा, पैंतीस बराबर कितना, सात वाई, तो वाई बराबर हो जाएगा पैंतीस बटे सात, काट दीजिए वाई का मान कितना आ गया, पांच आ गया, तो फिर लिखेंगे वाई का मान, समीकरण आप बोलेंगे सर वन में रखते हैं, तो चलिए आपका रख देते हैं क्या में, समीकरण टू में रखिए या वन में रखिए, आंसर जो है सेम आता है, वन में रखने पर, वन में रखने, टू में रखने पर, टू में रखिए या वन में रखिए, हम टू में रख रहे हैं, टू आपका क्या हुआ है, एक्स माइनस टू वाई बराबर माइनस कितना बारह, तो एक्स माइनस दू गुने इंटू का मतलब गुना छिपा हुआ रहता है, वाई का मान कितना है पांच बराबर माइनस बारह, तो हो जाएगा एक्स माइनस दू पचे दस माइनस बारह, तो एक्स बराबर माइनस बारह वो बराबर को पट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस दस, तो एक्स बराबर आ जाएगा कितना माइनस दो। अब देखिए वाई का मान हमको यहाँ पांच आ गया, एक्स का मान है देखिए माइनस टू आया कि नहीं आया, तो बोल रहा था कि हमको एम का मान ज्ञात करिए, किसका मान ज्ञात करिए एम का, जो एम बराबर है दिया हुआ है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं पार्टी, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, चलिए क्या दिया हुआ है देखिए, हाँ तो दिया हुआ है वाई बराबर एम एक्स प्लस कितना थ्री, वाई और एक्स का मान बैठा दीजिए, वाई का मान है देखिए कितना दिया हुआ है पांच बराबर एम गुने एक्स का मान है कितना दिया हुआ है माइनस टू और प्लस कितना थ्री, तो हो जाएगा पांच बराबर की पार्टी प्लस तीन पार्टी जाएगा तो माइनस तीन, एम में माइनस टू से गुना करेंगे माइनस टू एम, पांच में से अगर तीन जाएगा तो कितना बजेगा, बजेगा माइनस टू बराबर माइनस टू एम, तो एम बराबर हो जाएगा माइनस दो बटे पार्टी, पांच में से तीन जाएगा तो दो बचेगा तो दो बराबर माइनस टू एम, तो हो जाएगा एम बराबर कितना हो जाएगा दो बटे माइनस टू, काट दीजिए तो माइनस कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, तो नीचे लिख देंगे अत एक्स बराबर आंसर माइनस टू, वाई बराबर आंसर हमको पांच आ गया एंड एम बराबर हमको कितना आ गया माइनस वन आ गया, तो आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया, तो टू का भी आप लोग का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आप लोग का पढ़ाई और वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लग रहा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, कुछ अगर दिक्कत हो रहा है तो कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, जय हिंद जय भारत।